ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हिमाचल प्रदेश के जिला बिलासपुर में आज भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने एक रैली जनसभा को संबोधित किया। ये जनसभा हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी पूर्व बीसीसीआई अध्यक्ष अनुराग ठाकुर के पक्ष में आयोजित की गई थी। इस विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए अमित शाह ने राहुल गांधी और गठबंधन पर खूब निशाने साधे। हिमाचल प्रदेश के जिला बिलासपुर में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने विशाल जनसभा को संबोधित किया। अपने संबोधन के दौरान अमित शाह ने अनुराग ठाकुर पर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि एक बात याद रखना कि इस बार चौथी बार हमीरपुर की जनता अनुराग ठाकुर को जिताकर अगर संसद में भेजती है तो निश्चित रूप से केंद्र सरकार में एक बड़ी भूमिका वे निभाएंगे। उन्होंने ये ऐलान मंच से किया है। उन्होंने कहा कि अनुराग ठाकुर ने युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हुए कई आंदोलन में भाग लिया, लाठियों का सामना किया, पानी की बौछारों का सामना किया, जम्मू कश्मीर तक तिरंगा यात्रा की। और अमित शाह ने कहा कि जितने भी विधानसभा चुनाव उनके कार्यकाल में हुए हैं वहां पर बड़ी जीत निभाने में अनुराग ठाकुर ने अहम भूमिका अदा की थी। अमित शाह ने कहा कि हिमाचल की चारों सीटें उन्हें चाहिए। मेरी बात याद रखना, अनुराग को एक बार सांसद बना दो, उसको बड़ा नेता बनाने की जिम्मेदारी मेरी है। मैंने अनुराग को काम करते हुए देखा है। देश भर में कई चुनाव हुए, युवा मोर्चा का नेतृत्व करते देखा है, आंदोलन करते देखा है, लाठियां खाते देखा है, पानी के कैनन के सामने छाती खोलकर भारत माता की जय के नारे लगाते हुए मैंने अनुराग को देश भर में मेरे अध्यक्ष रहते हुए सारे देश के चुनाव हुए, एक भी चुनाव नहीं है जिसमें अनुराग ने देश की मिट्टी न फाकी हो, धूल न फाकी हो, ऐसा एक भी चुनाव। देश के स्पोर्ट के क्षेत्र के अंदर अनुराग जी का बहुत बड़ा योगदान है। इस क्षेत्र के विकास के लिए भी अनुराग का बहुत बड़ा योगदान है। और मित्रों, इसीलिए हमीरपुर ठाकुर साहब बैठे, जयराम जी बैठे, अनुराग स्वयं है, हमारे नड्डा का क्षेत्र है, मुझे कोई आने की जरूरत नहीं थी। मैंने आग्रह से कहा था कि भाई अनुराग के लिए मैं जरूर जनता को एक अपील करने के लिए था। और इसीलिए आज मैं बिलासपुर आया हूं। मित्रों, अनुराग जी ने उनके साथ इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल तथा अन्य नेता मौजूद रहे, जबकि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि अनुराग ठाकुर इस बार जीत का चौका लगाएंगे, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी रामलाल ठाकुर हार का चौका लगाएंगे। का अंतर और बढ़ाने का हमारा लक्ष्य है। और जहां तक इस हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र की अगर बात कहूं, यहां भाई अनुराग ठाकुर जी यहां पर चौथी बार जीतने वाले हैं, जीत का चौका लगने वाला है। और वहां कांग्रेस पार्टी की ओर से जिस उम्मीदवार को यहां घोषित किया है वो लगातार चौथी बार हारने वाले, चौका वहां भी लगने वाला है, लेकिन हार का चौका।